नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईपीएल 2022 में 67 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और 67 मैचेस के बाद हमें तीन टीमें ऐसी मिल चुकी हैं जिन्होंने आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पर पाँच ऐसी टीमें हैं जो कि प्लेऑफ्स की दौड़ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन सी होगी? दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्लेऑफ्स क्वालिफिकेशन सिनेरियो और समीकरण क्या बन रहा है? यहां से किस टीम को क्या करना होगा, कितने मैच जीतने होंगे या फिर किस टीम के ऊपर डिपेंड रहना होगा प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए, ये सारे समीकरण और डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, कल आईपीएल 2022 के मैच नंबर 67 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराकर खुद को अभी भी प्लेऑफ्स की होड़ में बरकरार रखा हुआ है। और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टीमों की जो कि आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स की दौड़ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी हैं। तो उसमें से पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का। एमआई की टीम ने दोस्तों आईपीएल 2022 में अभी तक 13 मैचेस खेले और इन 13 मैचेस में इनके पास सिर्फ 6 पॉइंट्स ही मौजूद हैं, जबकि ये पॉइंट्स टेबल पे आखिरी स्थान पर है, यानी कि नंबर 10 पर। मुंबई इंडियंस की टीम अगर अपना आखिरी लीग मुकाबला जीत भी जाती है, इसके बावजूद इनके पास सिर्फ 8 पॉइंट्स ही हो पाएंगे और 8 पॉइंट्स के साथ ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ्स से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। तो सीएसके की टीम ने भी आईपीएल 2022 में अभी तक 13 मैचेस खेले और इन 13 मैचेस में इनके पास टोटल 8 पॉइंट्स मौजूद हैं, जबकि ये पॉइंट्स टेबल पे नंबर 9 पर हैं। अगर सीएसके की टीम भी अपना आखिरी लीग मुकाबला जीत जाती है, इसके बावजूद इनके पास सिर्फ 10 पॉइंट्स ही हो पाएंगे और 10 पॉइंट्स के साथ ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी प्लेऑफ्स की दौड़ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। तो एसआरएच की टीम ने भी दोस्तों आईपीएल 2022 में अभी तक 13 मैचेस खेले और इन 13 मैचेस में इनके पास टोटल 12 पॉइंट्स मौजूद हैं, जबकि जो इनका नेट रन रेट है वो भी काफी ज्यादा खराब है, माइनस में, और ये पॉइंट्स टेबल पे नंबर 8 पर है। अगर एसआरएच की टीम अगर अपना आखिरी लीग मुकाबला जीत भी जाती है, इसके बावजूद इनके पास सिर्फ 14 पॉइंट्स हो पाएंगे और 14 पॉइंट्स के साथ ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में एसआरएच की टीम भी प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। तो कल के मुकाबले में आरसीबी के जीतने के बाद ही पंजाब किंग्स की टीम भी प्लेऑफ्स की दौड़ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, क्योंकि इनके पास 13 मैचेस में सिर्फ 12 पॉइंट्स ही मौजूद हैं और ये पॉइंट्स टेबल पे नंबर 7 पर हैं, जबकि इनका नेट रन रेट भी काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है, माइनस में। अगर ये अपना आखिरी लीग मुकाबला जीतते भी हैं तब भी इनके पास सिर्फ 14 पॉइंट्स ही हो पाएंगे और 14 पॉइंट्स के साथ ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, पीवीकेएस की टीम भी प्लेऑफ्स की दौड़ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। तो दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने सभी लीग मैचेस यानी कि 14 मैचेस खेल लिए और इन 14 मैचेस में इनके पास सिर्फ 12 पॉइंट्स ही मौजूद हैं, जबकि इनका नेट रन रेट प्लस में चल रहा है। 12 पॉइंट्स के बाद इनके पास कोई भी चांस नहीं बचा है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, केकेआर की टीम भी प्लेऑफ्स की दौड़ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। तो ये तो बात हो गई उन टीमों की जो कि प्लेऑफ्स की दौड़ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी हैं, और अब हम बात कर लेते हैं उन तीन टीमों की जिन्होंने आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। तो उसमें से पहले नंबर पर नाम आता है गुजरात टाइटंस का। गुजरात टाइटंस की टीम ने दोस्तों आईपीएल 2022 के अपने सभी लीग मैचेस खेल लिए हैं और 14 मैचेस के बाद इनके पास सबसे ज्यादा 20 पॉइंट्स हैं, जबकि ये पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर हैं। गुजरात टाइटंस की टीम ने दोस्तों ना सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई किया है, बल्कि ये पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर भी फिनिश करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आपको प्लेऑफ्स में क्वालिफायर 1 का मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। तो एलएसजी की टीम ने भी आईपीएल 2022 में अपने सभी लीग मैचेस खेल लिए हैं और 14 मैचेस के बाद इनके पास टोटल 18 पॉइंट्स हैं, जबकि ये पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पर हैं। एलएसजी की टीम ने भी दोस्तों प्लेऑफ्स के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है और हो सकता है कि ये आपको क्वालिफायर 1 का मुकाबला खेलते हुए नजर आ जाएं गुजरात टाइटंस के साथ, अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला हार जाती है तो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। तो आरआर की टीम ने आईपीएल 2022 में अभी तक 13 मैचेस खेले और इन 13 मैचेस में इनके पास टोटल 16 पॉइंट्स मौजूद हैं, जबकि ये पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पर हैं। और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी प्लेऑफ्स के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है। अगर ये अपना आखिरी लीग मुकाबला जीत जाते हैं तब दोस्तों इनके पास 18 पॉइंट्स हो जाएंगे और बेटर नेट रन रेट की वजह से ये आपको पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पर भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। और ऐसी सिचुएशन में राजस्थान रॉयल्स की टीम आपको क्वालिफायर 1 का मुकाबला खेलते हुए नजर आ सकती है गुजरात टाइटंस के साथ। लेकिन अगर ये अपना आखिरी लीग मुकाबला हार जाते हैं तब फिर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम एलिमिनेटर का मुकाबला खेलते हुए नजर आएगी।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन दो टीमों की जिनके बीच आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए जंग काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है। और हम अगर सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात कर लें तो दोस्तों आरसीबी की टीम ने आईपीएल 2022 के अपने सभी लीग मुकाबले खेल लिए हैं और 14 मैचेस के बाद इनके पास टोटल 16 पॉइंट्स मौजूद हैं, जबकि ये पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर हैं। हालांकि जो इनका नेट रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है, माइनस में। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम दोस्तों कंप्लीटली दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उस मैच पर डिपेंड हो चुकी है, क्योंकि अगर आरसीबी की टीम को प्लेऑफ्स में ऑफिशियली क्वालिफाई करना है तो आरसीबी की टीम को होप करनी होगी कि उस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे। अगर ऐसा होता है तब फिर दोस्तों आरसीबी की टीम 16 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर अपना आखिरी लीग मुकाबला जीत जाती है तब फिर आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो डीसी की टीम ने आईपीएल 2022 में अभी तक 13 मैचेस खेले और इन 13 मैचेस में इनके पास टोटल 14 पॉइंट्स मौजूद हैं, जबकि ये पॉइंट्स टेबल पे नंबर 5 पर हैं। और जो इनका नेट रन रेट है वो बाकी टीमों से काफी ज्यादा बेहतरीन चल रहा है, प्लस में। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को दोस्तों अगर आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना है तो इन्हें अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीतना होगा। और अगर ये ऐसा कर पाते हैं तब दोस्तों इनके पास 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और 16 पॉइंट्स के साथ बेटर नेट रन रेट की वजह से ये आपको प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों ये रहा आईपीएल 2022 के मैच नंबर 67 के बाद आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम का लेटेस्ट प्लेऑफ्स क्वालिफिकेशन सिनेरियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के अलावा कौन सी वो चौथी टीम होगी जो कि आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में जगह बनाएगी। क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्वालिफाई करेगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, वहीं पर क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।